क्या हाल चाल है दोस्तों। दोस्तों ये वाला हेलीकॉप्टर मैंने मंगाया था अमेजोन से। अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग है ना, वहाँ से मंगाया था और इसी का मैं टेस्ट करने वाला हूँ। वैसे आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4-5 टॉयज का अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ उसका मैं आपको ये जो टेस्ट होता है वो भी करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाया था एंड इसकी ब्रांडिंग भी, उसकी पैकिंग भी देख सकते हो, फुल टूस अमेजोन लिख रखा है। और जब मैं इसे ओपन करके देखा तो एक तरफ से ये गत्ते से चिपका हुआ था, तो मेरे को एक बार थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है ये डैमेज हो सकता है। पर मैंने इसका जब गत्ता को हटाया तो फिर देखा कि हाँ ये सही है। और जिसे मैं गत्ता बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग उसे क्या बोलते हो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना यार कि आप लोग उस कागज़ को क्या बोलते हो। एंड जब मैं इस हेलीकॉप्टर को निकाला हूँ तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, रिमोट भी ठीक ठाक था और इसको चार्ज करने के लिए डाटा केबल यानी चार्जिंग केबल भी दी गई थी। और इसकी जो सेल मैं डाल रहा हूँ ना, ये मैंने ऑफलाइन में बाई की, यानी कि 20 रुपये और ज़्यादा खर्चा हो गए थे मंगाने के बाद में। इसके बटन एक अच्छे से काम कर रहा था रिमोट, और इसका मैंने हेलीकॉप्टर का बटन ऑन किया, ये ऑटोमेटिक सेंसर से ये चलने लगा था और काफ़ी तगड़ी हवा फेंक रहा था, लाइक एक पंखे से भी ज़्यादा। मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने दूसरे वाले प्रोडक्ट की। तो इसे आप क्या बोलोगे, ये फोर व्हीलर कार बोल सकते हो, चार पहियों वाली कार जिस पे कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि उसका टायर ही वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये तो ये मजाक की बात, इसे कार ही बोलना चाहिए। इसके बॉक्स के ऊपर लिखा है मेटल मॉन्स्टर। एंड गाइस ये मैंने अमेजोन पे इसका रिव्यू इसका प्रोडक्ट देखा और मेरे को काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। एंड देन इस वीडियो में मैं इसका भी यहाँ पे अनबॉक्सिंग करूँगा और ये टेस्ट आपके सामने रहा। ये रिमोट से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऊंचाई से गिरने से टूटती नहीं और रेतीली ज़मीन या फिर पानी से भरे हुए गड्ढे में भी बहुत अच्छे से चलती है। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसे अनबॉक्स करने की। और गाइस यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, पर आपको जितना दिख रहा है कैमरे में, ये जितना रिकॉर्ड हो रहा है ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स था। एंड गाइस जब मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा बॉक्स होगा और ये इतना बड़ा कार होगा, सॉरी बड़ी कार होगी। तो जब मैंने वहाँ से डिलीवरी करने वाला बॉय आया और उसने मुझे इतना बड़ा बॉक्स थमाया तो मेरे को लगा यार इसमें क्या हो सकता है, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ था। चलो यहाँ पे आपको इसकी चिट लिखी थी जिसपे मेरा एड्रेस था, फ़ोन नंबर था वगैरह वगैरह। तो इसे तो हम करते हैं साइड से पहले और इसका बॉक्स की तरफ नज़र डालते हैं। और जब मैंने इसे ख़रीदा एंड इसकी वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा इसके काफ़ी तगड़े से फोटोज लेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसे मैं बार बार अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ ले रहा था। जबकि मैं अनबॉक्सिंग किसी भी प्रोडक्ट की करता हूँ तो इतनी ज़्यादा फोटोज नहीं लेता, लेकिन इसमें मैंने फोटोज लिए क्योंकि मुझे इसका बॉक्स का कवर अच्छा लग रहा था और ये कार भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉट ले लिए। सो मैं आपको सारे धीरे बाय धीरे दिखाता हूँ। पहले तो मैंने इसका पूरा फ़ोटो क्लिक किया, फिर इसके टायर का फ़ोटो क्लिक किया, जूम किया वहाँ पे। भाई बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर डाली थी इस वीडियो में और इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। तो इस अनबॉक्सिंग के लिए एक लाइक कर देना मेरे भाई लोग। एंड गाइस यहाँ पे आपको इसके टायर्स काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में दी गई है। तो इसका रिमोट भी पीछे रखा हुआ है जिसको मैं पहले तो शॉर्टेज ले रहा था, अब दूसरी तरफ से टायर दिखा रहा एंड फिर घुमा के दिखा रहा, जैसे कि एक अच्छे प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग करते ना वो एक एक चीज़ को आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत तगड़े अलग अलग से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो वैसे अपन ने भी किया, एक अलग अलग तरह से फ़ोटोज़ को क्लिक किया, अलग अलग तरह से फ़ोटोज़ लिए इसके, घुमा के टेढ़ा करके, मतलब यार बहुत ज़्यादा ही इसमें अपने दिमाग को खर्च किया ताकि अनबॉक्सिंग बहुत तगड़ी बने। चलो कोई ना, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके जो सॉकेट्स लगे हैं जिस पे इस पे अगर इस कार के ऊपर कोई बैठेगा ना तो उसको दोची नहीं लगेगी अगर गड्ढे वड्ढे होंगे रोड में,
जो काफ़ी अच्छी है, और इसका रिमोट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है जो कि जल्दी टूटेगा नहीं। और हाँ, इसे पेज खोलने के बाद पता चला इसमें भी मेरे 20 रुपये खर्च होने वाले हैं, तो मैंने इसमें सेल लेके आया और इसमें भी मैंने सेल कोड डाला जिसमें मेरे 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो ये बहुत ही दुखदायी हो जाता है, कंपनी वालों को 20 रुपये खर्च करके देना चाहिए ना एक साथ। और जब मैंने इसके बैक साइड में ओपन किया तो हाँ, इसके साथ बैटरी भी मिली थी जो कि इसके साथ मिली, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो 700 mAh की बैटरी थी जिसे इसमें कनेक्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया एंड इसकी बैटरी को यहाँ पे सेटअप कर दिया। उसके बाद इसके कवर को, यानी कि जो कवर था उस पर लगाने के बाद पेचकस दिए, अब ये चलने के लिए तैयार थी। तो चलते हैं ऐसी जगह पे जब इसका हम कंट्रोल कर सकें, तो ये काफ़ी अच्छे से रिमोट कंट्रोल होती है। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना इसे खोल के अंदर देखा जाए कि क्या क्या है, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था कि इसमें क्या हो सकता है, और मैंने इसको वैसा का वैसा ही रखा जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है और ये सजाने के रूप में बहुत अच्छी काम करती है। तो दोस्तों, अब अपना थर्ड वाला प्रोडक्ट, जो कि थर्ड प्रोडक्ट है एक हेलीकॉप्टर, इसे भी मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले इसका थोड़ा टेस्ट देख लो, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसी में मैं आपको बताते हैं। इस वाले हेलीकॉप्टर की जो पैकिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त दी गई, और साथ ही साथ आपको ऊपर अप साइड में एक चिट देखने को मिलती है जिसमें कि मेरा एड्रेस था, लेकिन मैंने इसे चीर फाड़ के अलग अलग कर दिया। एंड देन नाउ मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और इस गत्ते को, जो कि मैंने इसे गत्ता बोला हूँ, इस पैकेट को अभी अलग करता हूँ। और इसकी टिपिंग भी काफ़ी हार्ड थी, तो इसे ओपन करके देखा तो फोम का मिला, फोम का पर्दा पड़ेगी। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट था टॉय, हेलीकॉप्टर टॉय, चूँकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे था और मैंने सोचा क्यों ना इसके भी अच्छे अच्छे से फोटेज लिए जाएँ, तो इसके भी फोटेज लेने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है, प्रोफेशनल बनने की कोशिश की गई है। तो इसे मैं बाहर निकालता हूँ स्लो मोशन में, और ये एक रिमोट कंट्रोल है जो कि टूटा हुआ था। भाई दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि क्या करना चाहिए, तो फाइनली मैंने क्या किया ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक तो करना बनता है, क्योंकि आप जानते हो कि एक वीडियो बनाने के लिए चार प्रोडक्ट मंगाना और उनकी अनबॉक्सिंग करना, मतलब कितने पैसे बर्बाद करना हो, फिर उसके बाद आप एक लाइक भी ना करो तो मज़ा नहीं आता भाई, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और गाइस, हाँ, इससे जो इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, जो मैंने पहला वाला दिखाया था उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। इसमें भी चार्जिंग के लिए केबल दी गई थी, नीचे आपको एक बटन मिलता है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसे मैंने जब खोला इसके रिमोट को, तो यहाँ पे भाई इतने सारे आप सेल बैटरीज डालने का ऑप्शन था बहुत ज़्यादा, तो इतनी सारी बैटरीज का ऑप्शन क्यों था, दो बैटरीज में भी काम चल जाता, लेकिन नहीं भाई, 60 रुपये खर्च करा दिए अलग से एक्स्ट्रा से। चलो कोई नहीं, मैंने खर्च किए, क्या करें यार, करना पड़ता है ना। तो फिर मैंने इसको भी पैक कर दिया, बट ये रिमोट टूटा हुआ निकला था, तो मैंने क्या किया इसको भाई रिटर्न लगा दिया, क्योंकि भाई टूटा हुआ डैमेज प्रोडक्ट तो हम ले नहीं सकते ना, तो इसको मैंने रिटर्न किया था। एंड रिटर्न करने के बाद के बारे में बात करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। भाई बहुत तगड़ी सी हवा आ रही थी एक पंखे के माफिक, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप अपने इस हेलीकॉप्टर को लेके जा सकते हो और आपको गर्मी महसूस नहीं होने देगा, आई स्वेयर। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, बट इसका रिमोट कंट्रोल टूटा होने की वजह से इसे मैंने रिटर्न किया, तो इसका दूसरे मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया था। तो आप इसकी टेस्टिंग फिर से देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो अभी बात करते हैं अपने लास्ट वाले प्रोडक्ट की, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दो प्रोडक्ट रखे हैं, बट अगर आप इस वीडियो पे 10 लाइक कर देते हो या फिर करवा देते हो, तो जो सेकंड वाला बॉक्स है मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा।
तो अभी बात करते हैं इसके फर्स्ट वाले बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखा हूँ एक डैमेज हुआ बॉक्स का एक हेलीकॉप्टर बॉक्स पड़ा हुआ है। तो जब मैं इसको देखा तो इसको बिल्कुल ही डैमेज हुआ हुआ था, लेकिन मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो भी वर्क नहीं करेगा। तो इसे मैं बाहर निकाला तो प्रोडक्ट लगभग ठीक ठाक था, कहीं से भी डैमेज नहीं था, बट इसका जो पैकेट था बॉक्स था वो बिल्कुल ही डैमेज हुआ करता था। और इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग केबल दी गई थी, तो मैंने इसको चार्ज किया पहले थोड़ा सा, फिर इसको मैं ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि ये फ्लाई करता है या नहीं करता है। और हाँ, इसके बिल्ड क्वालिटी अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सही थी। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ही मंगाए थे, क्योंकि अमेजोन की डिलीवरी मुझे काफ़ी सही लगती है, और बस मैंने मंगाए अमेजोन से। आने वाले दिनों में फ्लिपकार्ट के भी टॉयस की अनबॉक्सिंग क्या करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको गिव अवे में काफ़ी सारे टॉयस भी आगे देने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करना। एंड गाइस, हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे और माचिस से बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग आपको टॉयस बना के क्रिएशन, ऐसे डाइस बहुत सारे आपको मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। तो ये काफ़ी सही है। और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी इनेबल करना और हमारा सपोर्ट करो भाई, और मेरी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड लोग को के पास, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी। और ये सारे प्रोडक्ट आप अमेजोन से मंगा सकते हो, और ये सारे के सारे लगभग कुछ 500 के थे, एक 700 का था, एक 1000 रुपये नहीं 799 का था, मतलब सारे 1000 से कम के ही थे। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड